हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आ गया न्यू वीडियो लेकर दोबारा, रोस्ट कंट्रोवर्सी अदनान वर्सेस यूट्यूबर मतलब जो भी है, रीलर हो सकते हैं। हमारी जो पहले वाली वीडियो है उसका पार्ट टू समझ लो कुछ भी। और ये रोस्ट किया है ट्रगर्ड इंसान, तो समझ रहे हो ना कहाँ तक बात पहुँच चुकी है भाई। हो सकता है कैरी मिनाटी तक भी बात जाए, तो आप पहले रिएक्शन वॉच करो। आई होप कि आपको रिएक्शन अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, क्या बोला है, कैसे ली गई है भाई की, देखते हैं जो भी। ठीक है, हेलो गाइस, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी वीडियो हो सकती है। मैंने अदनान 07 पे जो वीडियो बनाई थी उससे नाराज़ होके, उसका गुस्सा होके उसने मेरे को किडनैप कर लिया है। मेरे को पता भी नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। गाइस मुझे बचा लो प्लीज़, कोई मुझे बचा लो। अरे ओ ठक्कन प्रसाद ढोलकिया, तेरे को कहा था मेरी रिक्शा पे पंचर लगवा दे, और तू ये क्या वीडियो बनाने लगा हुआ है? वो नहीं नहीं वो है वीडियो नाचना शुरू कर देता है। कच्चा बादाम, अबे अदनान 07 टिकटॉक बंद हो गया, तेरे अंदर का टिकटॉकर नहीं गया अभी तक। क्या हो गया? आज भी मेरे दिल में दर्द होता है जब भी टिकटॉक का नाम सुनता हूँ। हेलो, अबे आमिर सादिकी टिकटॉक द्रोही है, फिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो गए, वो भी तेरी वजह से। वो भी तेरी वजह से? अबे तेरी वजह से, मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। कच्चा बादाम का कच्चा बादाम। ये एक बहुत पॉपुलर कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। एक वो समय था जब किसी ने किसी पे एक वीडियो बना दी थी, जिसके रिप्लाई में उसने कुछ वीडियो बना दी थी, और उसके बाद हो गया था विश्व युद्ध 3, YouTube वर्सेस TikTok। और एक आज का वक्त है जब फिर से किसी ने किसी पे एक वीडियो बना दिया है और उसने उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल दिया है, और अब फिर से शुरू हो गया है विश्व युद्ध 4, यानी कि YouTube वर्सेस TikTok पार्ट 2। अदनान 07 करके एक एक्स टिकटॉकर है जिन्होंने ये वाली रील बनाई। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया है, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। रॉकी बाय थगेश ने बहुत ही अच्छे से एक कंटिन्यूएशन एरर पॉइंट आउट करा कि जब ये बंदा चल के आता है तो चश्मा इसके यहाँ पर लटका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है तो चश्मा गायब। उसके बाद ये अपनी जेब में से चश्मा निकालता है और एंड में इसकी वॉक तो ऐसे लहराते लहराते जा रहा है। मतलब भाई तू रॉकी भाई का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, थोड़ा स्वैग से चल ले, ये क्या वॉक है ये लहराते लहराते। बस सिर्फ इतनी सी बात, ना कोई गाली दी ना कुछ, इसके अलावा कुछ बकवास बोली। लेकिन आधी रात में ये बंदा थगेश को फोन करके गालियां दे रहा है माँ बहन की, एंड फिर जो है बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होने लग गई थी। पर हम कहाँ हैं इसमें, हम नहीं है, लेकिन हम आएंगे ना, हम भी तो गोता लगाएंगे बहती गंगा में, हम भी डुबकी मारेंगे क्योंकि व्यूज अपने को भी चाहिए। हम जो है अदनान 07 की कुछ कमाल कमाल की रील्स और टिकटॉक्स पे रिएक्शन देने वाले हैं। वी विल जस्ट रिएक्ट। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये पता नहीं क्यों इसको देख के मेरे को वो पुनीत सुपरस्टार की लाइन याद आ गई। आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी और भिगमंगे और चप्पल चोर लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वालों के घर के सामने बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिगमंगा कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। पता नहीं ये देखते वो क्यों याद आया, बट ओनली वी आर जस्ट रिएक्टिंग। ओके बापू बोला, अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का, ये ले। पर बापू ये नहीं बोला कि दूसरे गाल पे मारे तो क्या करने का है। आई रिमेम्बर मुन्ना भाई। दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा फुल को। मैं इसलिए थोड़ी ना हंस रहा हूँ कि वीडियो बहुत फनी थी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ इस बंदे का रिएक्शन देखो। ऐसी मौत, एक चपेट में मर गया भाई बंदा। और दूसरे वाले का रिएक्शन, सही ओ भाई क्या बात बोली है।
अमेजिंग वीडियो, वाह जी वाह, क्या वीडियो बनाई है भाई, एक्टिंग है बादशाह आप तो। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही, जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। हेड में कमेंट्स पढ़ो, टट्टी क्रिंज वीडियो, ओ माय गॉड, आगे के तो मैं कमेंट्स पढ़ भी नहीं सकता भाई, इतनी गाली पूरा सेंसर करना पड़ेगा यार। टिंग टोंग कौन है बे? क्या इतने जोर से कह क्यों बैठे? आवाज तो उतना ही आएगा ना अंदर। घंटी है ये। क्या हो गया भाई? देखो भगवान, अगर मैं इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस डालता हूँगा तो मैं मन में ये चीज तो तैयार रहूंगा कि मेरे ऊपर कभी भी रोस्ट वीडियो बन सकती है, बिकॉज घंटी है ये। ओके ओके शांत। और छोटू पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? पढ़ाई की होगी इसने जिंदगी में कभी तो बना। अदनान भैया कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गई। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, मेरी वही हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है। कोई भी बैकग्राउंड में रैंडम सी साउंड इफेक्ट लगा दूंगा और उसके ऊपर कुछ भी, नाच रहा हूँ। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, चल रहा हूँ। सारा शहर मुझे सोच रहा हूँ। सारा शहर मुझे लायन के नाम पढ़ रहा हूँ। सारा शहर मुझे लायन जो मर्जी करूंगा बैकग्राउंड में कुछ भी रैंडम से लगा दूंगा। इस सीन पे ये वाला वॉइस लाइन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, इस सीन के लिए आइडियल वॉइस लाइन विल बी दिस। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्श कर। लव नेम का पहला लेक्चर, आय हाय भाई, पी से पायल जोन, पायल जोन ब्रो, ना परी से कम है क्या वो? अरे भाई को गर्लफ्रेंड मिल गई गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अदनान भाई की नई गर्लफ्रेंड पायल जोन, माय बेस्ट फ्रेंड पायल। अब पायल इस पे भी 10-50 वीडियोस बना लियो, तेरे लिए कंटेंट है पायल, अगले 3-4 महीने का कंटेंट तो पायल तुम्हारे लिए निकल ही जाएगा। मेरे भी दिमाग में पीछे सीधा पायल जोन की याद आई यार। जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ खाली नहीं। आहा। हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम देते और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते। कुछ भी हो देखो भाई, ऐसा है एकदम ज्ञान की बातें देते हुए, हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो ये करते हैं और इस चीज के लिए बढ़े तो वो करते हैं। 2+2=4, 4+4=8। सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट को सेट करता है, दिल्ली नॉर्थ में पड़ता है, कन्याकुमारी साउथ में पड़ता है। आज मुंबई में बहुत तेज बारिशें हो रही है, बाढ़ आने की आशंका है। अदनान 07 इस दुनिया का सबसे बेस्ट रीलर है। ट्रिगर्ड इंसान इस दुनिया का सबसे फनी यूट्यूबर है। My dog stepped on a bee. Amber Heard. My dad has to pee. ये ट्रेंड है। Mom stuck in a tree. कितना गंदा मुंह बनाई छी। तो तू तो उससे भी गंदा मुंह बनाया यकी। मैंने भी ट्रेंड कर दिया। देखो हमारे चैनल पे हम कभी किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाते, आई मीन कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर एक प्राणी किसी और की शक्ल का मजाक उड़ाता है तो वो सबको परमिशन दे रहा है कि तुम उसकी भी शक्ल का मजाक उड़ा सकते हो। एंड ये ऐसी शक्ल बनाने के बाद कह रहा है तूने गंदा मुंह बनाया छी। तो भाई साहब आपने तो आज तू आई हाय छी वाला फेस बनाया ना फिर। नहीं नहीं हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, ओनली रिएक्शन। बाद में करती हो, उसके कपड़े देखो ओए फटी हुई है यहाँ से यार। अगर कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी फेंकते, यहाँ से एक्चुअल फटी हुई है। अबे ये क्या टी शर्ट है भाई, ये क्या टी शर्ट है?
इसकी अबे चुप, अबे चुप भाई। एक होती है ऐसा वो रिप्ड टैटर्ड जिसे कहते हैं टी शर्ट्स जीन्स वगैरह, ये एक्चुअली में लग रहा है ऐसा फोल्ड करा और रैंडम कहीं से भी खुद से काट के भाई धागे निकल रहे हैं उसकी पूरी फटी पड़ी है। क्या बोला तूने? सोशल मीडिया फाइट वर्सेस रियल फाइट, फाइट इन रियल लाइफ। सोशल मीडिया की फाइट्स भी लाइक ओहो फुल गैंगस्टर। हाँ गैंगस्टर, ओ वाओ, ओ वाओ, एंड फाइट इन रियल लाइफ। हाँ बहुत बोल रहा था ना तू। इंटरनेट पे बैठ के तेरी ऐसी कितनी तेरी है, तेरी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं सामने आती अलग है ना अलग नहीं नहीं चल छोड़ रहने देते खुद को एक्सपोज कर दिया अदनान भाई ने। हाँ ले लेट्स गो ले ले मेरी चेयर का हैंडल टूट गया। सो इंस्टाग्राम पे नया फिल्टर आया है योर फेड, ये बताएगा हमारा फ्यूचर, ये बताएगा हमारा फ्यूचर। अरे इंस्टाग्राम फिल्टर से क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ आपका फ्यूचर। इन 2022 यू विल अब्यूज समबडी, उसके बाद तेरे ऊपर 36,000 वीडियोस बनाएंगे लोग रोस्ट वाली, उसके बाद तेरे को गालियां पड़ेगी तेरे कमेंट सेक्शन में, एंड एंड में तेरा हो जाएगा आमिर सिद्दीकी। क्रिंज इनटू 100 हो गया। तो अगर आप चाहते हो आपका आमिर सिद्दीकी ना हो तो आमिर सिद्दीकी तो नहीं होगा आपका, उसके जैसा आपका हाल ना हो तो स्टॉप, जस्ट डोंट रिप्लाई। कभी कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करते हुए रोस्ट करते हुए वीडियो बनाता है इग्नोर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वेल डन लिख के आ जाओ उसके कमेंट सेक्शन में, इज्जत बढ़ जाती है तुम्हारे लिए। और ये चीज मुझसे ज्यादा अच्छी कौन जानता है। पत्नियां चाहे तो अपने ससुराल को भी स्वर्ग बना सकती है। अच्छा माइक के जाके तू भी वैसे सोशल मीडिया को एक बेहतर जगह बना सकता है ऐसी क्रिंज वाली वीडियोस ना बना के। फायर तूड़ा हाथर बाला हाथे छोले छिनी। काफी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रील्स हैं हमारे बहुत ही ज्यादा हैंडसम रीलर नंबर वन टीम 07 के लीडर मिस्टर फैजू के जैसे दिखने वाले लुक का लाइक वन अभी अदनान 07 की। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं टीम 07 के बाकी मेंबर्स पे भी वीडियो बनाऊं या फिर और वीडियोस बनाऊं इनके ऊपर तो मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो गए, वो भी तेरी वजह से, वो भी तेरी वजह से, अबे तेरी वजह से वीडियो करते हैं एंड, मतलब वो भी एंड पर यूट्यूब स्टार्ट वीडियो बढ़िया थी यार ट्रिगर्ड भाई ने, मतलब कोई ज़्यादा बोला नहीं है, लाइक ऐसे बोल सकते हो उसकी वीडियो उठा के, मतलब पर्टिकुलर वीडियो को बोला है कि इसमें ये कमी वो है, मतलब कुछ कमियाँ निकालना, रिएक्शन देना, जैसे हम किसी वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं उन्होंने भी इस तरीके से दिया है, तो ये देखते हैं कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं। अब ट्रिगर्ड इंसान की आ गई है भी यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है रोस्ट में कैजुअलिटी के बाद, ट्रिगर्ड इंसान भाई की चैनल है, तो आई होप एंजॉय दिस वीडियो गाइज और सब फनी वे में लो यार, कॉन्ट्रोवर्सी जहाँ तक जाएगी तो देखते हैं। अगर और कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो चाहिए आप लोगों को, अगर चाहते हो कि हाँ और भी बने तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको रिएक्शन दे दूँगा। और गाइस लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कल वाली वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स है 200-250 घंटे भाई, मैं तो इसी में ही खुश हूँ यार सच में। तो बस अपने को ज़्यादा नीड नहीं है यार, इतना हो जाए अपन जितनी मेहनत करता है उतना व्यूज़ मिल जाए बस, वही बहुत है अपना एडिटिंग जैसा काम हो जाए। तो बस गाइस आई होप रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अब तक किसी न्यू वीडियो में। और ट्रिगर्ड भाई ने कुछ गंदा रोस्ट नहीं किया है, नॉर्मली रोस्ट किया यार, तो उसे भी दिल पे ना ले, नहीं इस पर उसे दिल पे लेने के बाद अगर कुछ रिएक्शन दिया ना तूने अदनान भाई तो फिर तू गया, तो समझो इस बात को, लीव करो सोचो छोड़ो, कोई जो बोल रहा है तो बोलने दो ठीक है। तो देखते हैं और किस पर और कौन कौन वीडियो बनाता है, मैं तो कैरी मिनाटी नहीं आ जाए, नहीं तो फिर हो गया बड़ा टंगा हुआ है। तो चलो यार हम भी करते हैं भाई टेक केयर, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है इसलिए खांसी वगैरह आ रही है, तो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, बाय, लाइक कर देना जाते जाते।